अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है आप तमाम देखने वाले दोस्त आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपको अपडेट देने के लिए नॉर्थ नाजाबाद एल ब्लॉक, और मेरे बैक साइड पर जहाँ ये ट्रक खड़ा हुआ है ये गली नंबर 11 है, और राइट साइड से जो रोड आ रही है 5 चौरंगी, और जो सीधी जा रही है वो लड्डी होटल की तरफ जा रही है। तो दरमियान में यहाँ पर काम तेज़ी के साथ जारी है, और यहाँ की रोडों का बहुत बुरा हाल था, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोड बनाए जा रहे हैं। जिस तरह कराची में मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी के साथ जारी हैं, इसी तरीके से इस इलाके में भी रोड बनाए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको लेबर लगी हुई होगी नज़र आ रही है जो काम कर रही है। एक बात और ये कहनी थी कि नाजाबाद नंबर 1 और 2 पे बहुत कम रोडों पर काम किया गया है, और वहाँ की बहुत सी रोडें ऐसी हैं बिल्कुल ख़स्ता हाल। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ की भी मैं वीडियो बना के अपडेट करूँगा, और इदारों से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी वहाँ पर भी रोड बनाए जाए। जिस तरह मैंने आपको अपडेट दी थी नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक ए दिलपसंद की बैक साइड पर और बी और सी की, आज नॉर्थ नाजाबाद 5 चौरंगी से आप सीधे आएंगे तो ये नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एल का है इलाका, और इसकी सर्विस रूट पर भी काम तेज़ी के साथ जारी है। वहाँ पर भी कारपेटिंग की जाएगी, और उसके दूसरे वाले पॉइंट पर कारपेटिंग की जा चुकी है। तो यहाँ पर तेज़ी के साथ तरक्याती काम जारी है। बार बार एक बात ज़रूर कहता हूँ कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जो भी रोड बना रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि ये कि देखा जाए कि मटेरियल किस किस्म का यूज़ हो रहा है। बताएं तो हमें मटेरियल सॉलिड नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इसकी पूरी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन ये है कि ऐसा ना हो कि बारिशों के बाद जो है मुख्तलिफ जगहों पर जैसे गड्ढे पड़ जाते हैं, तो ऐसा काम ना हो, क्योंकि इससे जो है फिर पैसे का ज़ाया होता है। उम्मीद ये की जा सकती है कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तकरीबन 5 मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें छोटी बड़ी हर किस्म की मशीनें मौजूद हैं जो वह यहाँ पर वर्किंग कर रही हैं। बजरिया लेबर भी हाथों से भी काम किया जा रहा है। ट्रॉली में भी माल जो साइडों में जहाँ मशीन नहीं जा सकती माल गिराने, तो वहाँ ट्रॉली के ज़रिए माल डाला जाता है, और ये आप छोटी सी मशीन देख रहे हैं जो काम कर रही है, और इसके आगे बड़ी मशीन चल रही है जो मटेरियल को गिराती जा रही है, और लेबर हाथों से जो है उसको फैलाते जा रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करके मशीन के ऊपर बैठ गया, और यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा भी व्यू बनाना चाहिए। ये रोलर मशीन है जो माल को बिल्कुल लेबल कर रही है, छोटी मशीन है जिस पर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ।
कारपेटिंग की जाएगी। यहाँ मटेरियल बहुत पहले दिनों से डाला जा चुका है और ये पूरी रोड जो है सीधी फाइव स्टार चौरंगी से लेके लड्डी होटल तक जो है वो बनाई जाएगी। बस थोड़ा किलो रखियो। सामने हट जा बेटा। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।